हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, फाइनली हमारे पास आ चुका है रेडमी का Redmi A1 जो का रिसेंटली लॉन्चिंग डिवाइस है रेडमी की तरफ से। एंड दोस्तों, जो फोन है आपको एंट्री लेवल में देखेंगे काफी सारी फीचर्स ऑफर करता है, क्योंकि दोस्तों इस Redmi A1 डिवाइस में आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है एंड्रॉइड 12 का अपडेट जो कि गो एडिशन का अपडेट है। एंड स्टॉक एंड्रॉइड होने के बाद भी देखेंगे इस फोन में यार काफी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास रेडमी का Redmi A1 डिवाइस है या फिर दोस्तों अगर आप Redmi A1 डिवाइस परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में सारे के सारे Redmi A1 के हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रेगुलर चैनल पर देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, Redmi A1 जो कि रिसेंटली रेडमी की तरफ से एंट्री लेवल का स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है एंड इसका जो प्राइस है सिर्फ 6,500 रुपये इसका प्राइस है। वैसे दोस्तों, Redmi A1 डिवाइस में आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है गो एडिशन में, जिसके कारण आपके फोन में यार काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सारे सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो Redmi A1 डिवाइस में आपको गो एडिशन का थीम स्टोर का एप्लीकेशन मिल जाता है एंड इसी थीम स्टोर एप्लीकेशन में देखेंगे अगर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉलपेपर अप्लाई करना है सो वॉलपेपर को भी अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे स्टॉक वॉलपेपर मिल जाते हैं एंड जो भी वॉलपेपर आप अप्लाई करेंगे उसी के रिगार्डिंग आपकी जो थीम है वो भी अपलोड हो जाएगी। सो होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद भी वहां से भी देखेंगे वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो इस Redmi A1 डिवाइस में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों इस Redmi A1 डिवाइस में जो डायलर पैड है वो आपको MIUI का कस्टम डायलर पैड मिल जाता है एंड आप कोई भी नंबर अगर डायल करेंगे एंड डायल करने के बाद आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड दोस्तों किसी भी टाइप का अनाउंसमेंट यहाँ से नहीं होता क्योंकि MIUI का डायलर है। सो देखेंगे किसी भी कॉल को आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद ऊपर के साइड में आपको पॉपअप मिल जाता है या फिर आप फाइल मैनेजर में जाने के बाद भी उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे, आपको वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है जो कि आप गूगल ड्यूओ से वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट इनेबल कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों आपको वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, 4G वॉइस और LTE का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपको 4G वोल्टी का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड उसके नीचे के साइड में देखेंगे आपको वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो कॉलिंग के टाइम आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम इस फोन में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो Redmi A1 डिवाइस में आपको iOS 12 का 100 मोड का भी फीचर मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों iOS 12 का 100 मोड के जो फीचर से आपको Android 12 जैसे डिवाइस में ही देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको Redmi A1 100 इस्तेमाल करना है सो आपके लिए देखेंगे नीचे बॉटम के साइड में स्वाइप करना है। सो बॉटम में स्वाइप करने के बाद आपका Redmi A1 डिवाइस 100 मोड में या फिर स्विच हो जाता है। एंड दोस्तों इस 100 मोड को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो आपको सिंपल जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद जाना है सिस्टम में एंड सिस्टम में जाने के बाद आपको फीचर मिल जाएगा 100 मोड, जस्ट आपको इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों अगर आपको इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है सो शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्लोटिंग बार मिल जाता है, सो फ्लोटिंग बार के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका फोन 100 मोड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दोस्तों इस 100 मोड को कस्टमाइज करना है सो कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब कि 100 मोड की जगह अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस करना है तो जस्ट आपको यहाँ पे शो नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे शो नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपको जो 100 मोड की जगह आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता है। सो इस फीचर की मदद से आप अपने फोन को और भी ज्यादा 100 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में जो कि आपको रिसेंट पैनल में देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, रिसेंट पैनल ओपन करेंगे सो नीचे के साइड में देखेंगे आपको ट्रांसलेट है, लिसन है, स्क्रीनशॉट है, 3 फीचर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपने कोई भी अपर पेज ओपन किया है एंड उसी पेज को अगर आपको ट्रांसलेट करना है किसी अदर लैंग्वेज में तो नीचे के साइड में आपको ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, लिसन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ऑडियो सुने तो लिसन भी कर सकते हैं। सो रिसेंट पैनल में किसी भी रिसेंट पेजेस को देखेंगे आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल लेंस के जरिए। इसके बाद दोस्तों रिसेंट पैनल में तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का भी शॉर्टकट मिल जाता है। सो रिसेंट पैनल से किसी भी पेजेस को, मतलब लास्ट पेजेस का अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है सो डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करने के बाद भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली शेयर करना है सो डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो इस Redmi A1 डिवाइस में आपको वाईफाई हॉटस्पॉट का फीचर मिल जाता है, मतलब कि वाईफाई टेथरिंग का भी फीचर मिल जाता है। सो वाई
वाईफाई इनेबल करने के साथ साथ आप देख सकते हैं अगर आपको हॉटस्पॉट भी इनेबल करना है तो हॉटस्पॉट भी इनेबल कर सकते हैं। इस फीचर के मदद से अपने जो भी वाईफाई से इंटरनेट लिए वो अपने फ्रेंड के साथ वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए उसको शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो Redmi A1 Duo में आपको इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। सो अगर आपको स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करना है तो आपके लिए देखेंगे नोटिफिकेशन पैनल में रिकॉर्डिंग स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर आपको यहाँ पे देखेंगे माइक्रोफोन, उसके बाद सिस्टम साउंड, जो भी इसको ऑडियो को इनेबल करना है सो ऑडियो को भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको टचेस वगैरह दिखाना है सो टचेस वगैरह भी दिखा सकते हैं। सो इस मेथड से देखेंगे जो स्टॉक एंड्रॉइड वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी आपके इस फोन में मिल जाता है। ज्यादा कुछ खास आप इसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, मतलब भी अगर आपको फ्रेम रेट चेंज करना है, वीडियो रिजोल्यूशन चेंज करना है तो इतने सारे कस्टमाइजेशन आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड है तो स्टॉक एंड्रॉइड के हिसाब से देखेंगे आपको इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों Redmi A1 Duo में आपको बाय डिफॉल्ट ही डार्क मोड का फीचर मिल जाता है। सो नोटिफिकेशन पैनल में जाएंगे एंड ऊपर के सर में देखेंगे आपको डार्क थीम का एक शॉर्टकट मिल जाता है। सो जैसे ही डार्क थीम को इनेबल करेंगे सो आपके फोन में देखेंगे प्योर डार्क मोड इनेबल हो जाता है। ऐप ड्रॉअर में भी देखेंगे डार्क मोड इनेबल हो जाता है। सेटिंग में जाने के बाद भी देखेंगे आपको प्योरली यहाँ पे डार्क मोड इनेबल हो जाता है। एंड इसके अलावा अगर आपको डार्क मोड को कस्टमाइज करना है, मतलब भी शेड्यूल वगैरह सेट करना है तो सेटिंग में जाने के बाद उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। और आपको एक प्योर डार्क मोड का फीचर भी Redmi A1 Duo में देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों Redmi A1 Duo में डार्क थीम के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा डीमर का भी फीचर मिल जाता है। सो नोटिफिकेशन पैनल में जाएंगे एंड नोटिफिकेशन पैनल में स्वाइप करने के बाद आपको एक्स्ट्रा डीमर का आपको टॉगल मिल जाता है। तो उसको इनेबल करने के बाद आपको जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी डीमर हो जाती है, मतलब कि आपकी जो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डीमर को कस्टमाइज करना है तो एक्स्ट्रा डीमर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो एक्स्ट्रा डीमर की सेटिंग में जाने के बाद अगर आपको ब्राइटनेस की जो इंटेंसिटी रहती है वो अगर आपको कम ज़्यादा सेट करना है तो इंटेंसिटी को भी कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। नीचे के साइड में जाने के बाद अगर आपको उसका शॉर्टकट वगैरह क्रिएट करना है तो शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो एंड्रॉइड 12 के बाद सभी फोन्स में आपको एक्स्ट्रा डीमर का फीचर मिल जाता है। तो Redmi A1 Duo में भी आपको इस टाइप का एक्स्ट्रा डीमर का भी फीचर मिल जाता है। चलिए दोस्तों अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको सारे के सारे सेटिंग्स के अंदर मिल जाते हैं। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है नोटिफिकेशंस में एंड नोटिफिकेशंस में आने के बाद आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का भी फीचर मिल जाता है। अगर आपसे गलती से सारे के सारे नोटिफिकेशंस यहाँ से क्लियर हो जाता है सो नोटिफिकेशंस क्लियर होने के बाद भी आप देखेंगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाने के बाद कितने भी ओल्ड नोटिफिकेशंस को चेकआउट करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एंड्रॉइड 12 के वजह से आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन बबल का भी फीचर मिल जाता है। सो जो भी टेक्स्ट मैसेज है, जो भी चैटिंग एप्लीकेशन है, अगर आपको चैट बबल मतलब ही कन्वर्सेशन बबल में कन्वर्ट करना है तो भी फीचर आपको मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। सो बैटरी सेक्शन में जाएंगे। बैटरी सेक्शन में जाने के बाद अगर आपको बैटरी परसेंटेज स्टेटस बार में इनेबल करके रखना है सो स्टेटस बार में भी बैटरी परसेंटेज को इनेबल करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों बैटरी सेविंग करने के लिए आपको बैटरी सेवर का भी फीचर मिल जाता है, बैटरी मैनेजर का भी फीचर आपको मिल जाता है। सो बैटरी के रिलेटेड काफी सारे फीचर्स आपको इसी स्टॉक एंड्रॉइड के साथ देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले फीचर के बारे में बात करेंगे। सो Redmi A1 Duo में आपको लिफ्ट टू वेक का भी फीचर मिल जाता है। सो डिस्प्ले के सेटिंग में जाएंगे एंड डिस्प्ले के सेटिंग में जाने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन में आपको लिफ्ट टू वेक का फीचर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फोन को यहाँ पर बंद करके ऐसे टेबल पर रखा है एंड ऊपर के साइड में अगर आप इसको लिफ्ट टू वेक करेंगे सो फोन का जो स्क्रीन है यहाँ पे वेकअप हो जाता है। सो बार बार आपको पावर बटन प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले फीचर्स की ओर जो कि आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर मिल जाता है। सो एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी मेनू मिल जाता है। सो इसको इनेबल करने के बाद आप अपने फोन में एक्सेसिबिलिटी का जो फ्लोटिंग शॉर्टकट रहता है उसको भी इनेबल कर सकते हैं, जिसके कारण आपका जो फोन है यहाँ पर काफी सारी शॉर्टकट्स अपने 100 में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों को इस एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट के बारे में पता होगा। सो ये भी फीचर आपको Redmi A1 Duo के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों Redmi A1 Duo के अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो Redmi A1 Duo में स्क्रीन लॉक के साथ साथ आपको स्मार्ट लॉक एंड सिम लॉक का भी फीचर मिल जाता है। सो सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर चेकआउट करके देख सकते हैं स्क्रीन लॉक का भी फीचर मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे आपको स्मार्ट लॉक का भी फीचर मिल जाता है। तो जैसा दोस्तों स्मार्ट लॉक को इनेबल करेंगे सो स्मार्ट लॉक को इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से ऑन बॉडी डिटेक्शन का फीचर मिल जाता है। उसको इनेबल करने के बाद आपका फोन अनलॉक ही रह जाएगा जब तक आपके हाथ में फोन है एंड उसको मोशन मिलता है। सो जब तक आप अपने फोन को हाथ में पकड़ के मोशन करते हैं तो अपना फोन रिमेन यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। जैसे दोस्तों मोशन बंद हो जाएगा मतलब ये फोन अगर आप टेबल पर रखते हैं सो आपका जो फोन है ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाएगा। सो स्मार्ट लॉक का भी फीचर आपको मिल जाता है।
इसके अलावा दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे आपको सिम कार्ड लॉक का भी फीचर मिल जाता है। सो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अननोन पर्सन अगर आपके सिम से कॉल करना चाहता है तो अगर आपको बंद करके रखना है तो उसको भी बंद करके रख सकते हैं, तो सिम कार्ड को लेकर भी आपको प्राइवेसी मिल जाती है। तो सिम कार्ड को लॉक सेट करने के बाद भी कोई भी अननोन पर्सन आपके सिम से किसी को भी कॉल नहीं कर सकता। सो सिम कार्ड प्राइवेसी को लेकर भी ये काफी शानदार फीचर आपको रेडमी A1 डिवाइस में देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले फीचर के बारे में बात करेंगे। सो रेडमी A1 डिवाइस में सिस्टम नेविगेशन की जगह अगर आपको 3 बटन्स को इस्तेमाल करना है तो 3 बटन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सेटिंग में जाने के बाद आपको सिस्टम में जाना, एंड सिस्टम में जाने के बाद आपको गेशर में सिस्टम नेविगेशन का फीचर मिल जाता है। एंड इसी फीचर के जरिए आप देखेंगे अगर आपको बटन्स वगैरह इस्तेमाल करना है तो बटन्स को भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको गेशर पसंद आता है तो आप गेशर सेटिंग को भी इनेबल कर सकते हैं। सो अगर आपको फुल स्क्रीन मोड ज़्यादा पसंद आता है तो आप आराम से यहाँ पे गेशर नेविगेशन को भी इनेबल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर के बारे में, मतलब कि टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो फ्रेंड्स अगर आपको रेडमी A1 डिवाइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करना है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी इनेबल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर ऑफिशियल फीचर नहीं है, बस आप यहाँ पे बोनस ट्रिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जस्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्लॉक एमुलेटर छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों उसको ओपन करना है, थोड़े बहुत एड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाद में दोस्तों अगर आपको यहाँ पे डिजिटल क्लॉक सेट करना है तो डिजिटल क्लॉक भी सेट कर सकते हैं, एनालॉग क्लॉक भी अवेलेबल है। अगर आपको सिग्नेचर वगैरह चाहिए तो सिग्नेचर के भी आपको AOD अवेलेबल है। सो आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज भी करना चाहते हैं तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो ऊपर के साइड में आपको काफी सारे फ्लावर्स का ऑप्शन मिल जाता है, सो अगर आपको उसको कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कलर इफेक्ट भी देंगे और काफी सारे कलर इफेक्ट मिल जाते हैं। उसके दोस्तों कौन कौन से आपको नोटिफिकेशन आपको सेट करके रखना है सो नोटिफिकेशन को भी सेट करके रख सकते हैं। एंड बाद में दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वगैरह चेक करना है तो प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। सो प्रॉपरली वर्क करने के लिए आपको सारे के सारे परमिशंस को एक्सेस करना है, मतलब ये ऑन करना है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे रेडमी A1 के कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स मैंने जैसे ही कैमरा ओपन किया सो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बोरिंग कैमरा लगा है, क्योंकि दोस्तों कुछ भी ज़्यादा इसमें आपको फीचर देखने को नहीं मिलते हैं। आप देखेंगे यार काफ़ी सारा आपको यहाँ पर बेसिक टाइप का कैमरा मिल जाता है। आपको देखेंगे 30 FPS में फुल HD+ का वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। कोई भी आपको स्लो मोशन का फीचर नहीं है, कोई भी आपको नाइट मोड का फीचर नहीं है। आप देख सकते हैं एंट्री लेवल के स्मार्टफोन में जो भी आपको बेसिक टाइप का कैमरा मिल जाता है बस वही आपको कैमरा मिल जाता है। बट फिर भी दोस्तों अगर आपको इस रेडमी A1 डिवाइस के कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स के वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं काफी जल्द कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स के वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों रेडमी A1 डिवाइस में बस इतने ही मेन हाइलाइटेड फीचर्स मिल जाते हैं स्टॉक एंड्रॉइड 12 गो एडिशन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।